नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ हजुरहरुलाई एनबी टाइम्समा। दर्शकबिन, अहिले हामी आएको छौँ नक्सलबाडी खण्ड विकास कार्यालय, यानि कि नक्सलबाडी बिडियो, जहाँ आजभन्दा लगभग 3 वर्ष अगाडि जसले यहाँ एज अ ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरको रूपमा उहाँले जोइन गर्नुभएको थियो भने, जसको नाम छ बापी थर, जसले 11/7/2017 दिन उहाँले जोइन गर्नुभएको थियो। आज उहाँ चाहिँ हामी दिनको यो बिडियो अफिस चाहिँ उहाँले आज सायद उहाँको अन्तिम दिन हो जसमा चाहिँ आज हामी उहाँसँग केही बात गर्नेछौँ भनेर हामी यो बिडियो अफिसमा आएको छौँ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उहाँको आज सायद अन्तिम दिन हो, र यसको बादमा हामीले जानकारी पाएँ अनुसार यहाँ दिनको उहाँले आफ्नो पद छोडेर अर्को जग्गा जाँदैछ, जो कि साउथ बङ्गालतिर जानुहुँदैछ। र हामी एक केही क्षणमा उहाँसँग बात गर्नेछौँ, उहाँको यस क्षेत्रलाई जस्तो प्रकारले 3 वर्ष दिएर उहाँले जे जस्तो डेभलपमेन्ट गर्नुभयो, साथसाथमा उहाँले यो नक्सलबाडी एरियामा कतिपय डेभलपमेन्ट गर्दा गर्दा उहाँको एउटा समयकालमा नै उहाँले यो कोभिड जस्तो एकदमै पेन्डेमिकको समय उहाँले यो समय यो जग्गामा दिनुभयो, र धेरै सही सही डिसिजन दिएर उहाँले यो क्षेत्रलाई डेभलपमेन्टको कार्यहरू गर्नुभयो। र रिसेन्टली उहाँले यो क्षेत्रलाई छोडेर गए तापनि उहाँले एकदमै राम्रो गिफ्ट भनौँ, राम्रो गिफ्ट उहाँले दिएर गएको छ कि उहाँले आई लभ नक्सलबाडी पार्क उहाँले स्टार्ट गरेको छ। र आउनुहोस्, उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ कि भिडियो एज अ भिडियो हुनुहुन्छ मिस्टर बापी धर, उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ। मैं 2017 साल जून 20 ज्वाइन किया था इस ब्लॉक में, लेकिन चार्ज मिला था 11th जुलाई, तो उसके हिसाब से लगभग 3.5 साल हो गया है। तो इस 3.5 साल जो समय काल है, इसमें बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुआ है, बहुत सारे सिचुएशन आया है। लेकिन हम लोग जो ब्लॉक का जो अदर्स जो स्टाफ है, ग्राम पंचायत का जो स्टाफ है, ऑफिसर लोग हैं, वो सब एक साथ मिलकर ग्राम पंचायत एरिया, ब्लॉक एरिया, पंचायत समिति एरिया का जो लोग हैं, सभी का जो डेवलपमेंट है, सबको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको, इसके लिए सब लोग इकट्ठा होकर काम किया है। तो उस हिसाब से नक्सलबाड़ी ब्लॉक आज एक अच्छे जगह पे है। ये खुशी की बात है कि जितने सारे गवर्नमेंट का स्कीम है, जितने सारे पब्लिक बेनिफिट्स है, वो हम लोग अच्छे तरीके से दे पा रहा है। इवन जो काम का जो क्वालिटी है वो ठीक ही है, अभी तक ठीक ही है। कंप्लेन एक दो होता है, वो रेगुलर बेसिस से होता है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कंप्लेन जितना कम हो सके, तो उस हिसाब से काम ठीक ही चल रहा है। हम लोग कुछ कुछ जगह में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी को बेनिफिट दे रहा है, तो इस हिसाब से पब्लिक लोग बेनिफिट हो रहा है। और ये जो कोविड-19 का जो सिचुएशन हम लोग फेस किया है, उस हिसाब से सभी लोगों को हम लोग जो गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज था वो पहुंचने के कोशिश किया था, तो हम ठीक तरीके से पहुंचने के लिए कोशिश किया है, तो काम ठीक तरीके से हुआ भी है। तो इस हिसाब से आज के तारीख में नक्सलबाड़ी ब्लॉक का जो सिचुएशन है, जो हाल है, जो डेवलपमेंट का जो सिचुएशन है, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स ब्लॉक वो ठीक ही है। सर, जब आप ज्वाइन करे थे उस वक्त कितना चैलेंजिंग एक ऑब्जर्वेशन रहा होगा आपका? उस हिसाब से उस समय जो जितने सारे गवर्नमेंट जो स्कीम था ना, उसमें कुछ कुछ जगह इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था, कुछ कुछ कम्युनिकेशन गैप था, वो जो मीटअप करने का एक बड़ा चैलेंज था। तो हम लोग बहुत कोशिश करके दिन रात इकट्ठा करके वो मेहनत करके वो जो गैप था, वो गैप हम लोग फुलफिल करने के लिए कोशिश किया था। बहुत सारे स्कीम का जो बेनिफिट वो ठीक तरीके से नहीं मिल रहा था, तो हम लोग देने की कोशिश किया है, वो भी ठीक तरीके से मीटअप हो गया है। सर, आपके समय काल में तो कोरोना जैसे एक महामारी आया, इस समय एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर था, और आपने बखूबी हमने देखा कि कई जगह पर आपने उस जिम्मेदारी को निभाया भी है। तो सर, उसमें कितना कुछ आपको लगा कि क्या कुछ और ज़्यादा सहयोग राज्य सरकार बोले या जो केंद्र सरकार है उसकी भी बहुत तरह की सहयोगिता लोगों के बीच जारी थी, उस पर आप लोगों ने किस तरीके से आपकी टीम और आप लोगों ने मैनेज किया? नहीं, हम लोग हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है वो हमारे पास आता है, उस हिसाब से हम लोग वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जितने सारे इंस्ट्रक्शन आया था फ्रॉम द डे वन, हम लोग ठीक तरीके से वो आम आदमी के पास भेजने की कोशिश किया था, वो पहुंच भी गया है। तो सभी तरीके जितने सारे इंस्ट्रक्शन था, जितने सारे इंफॉर्मेशन था, सभी लोग को हम भेजा है, तो उस हिसाब से सब लोग अलर्ट भी हुआ है। इस हिसाब से उसका जो रिज़ल्ट है वो आज से ठीक ही है, और डेथ रेट भी कम है यहाँ पर, और अफेक्टेड रेट भी कम है,
लेकिन पब्लिक लोग जो बहुत तरीके से वो सहायता दिया है, उस हिसाब से हम लोग अच्छे तरीके से वो जो COVID-19 को जो सिचुएशन था हम लोग फेस किया है। तो इसके बाद आप कहाँ स्थानांतरण हो रहे हैं? ये तो मुर्शिदाबाद जिला खड़ग्राम। तो अब सर कितना मिस करेंगे अपनी लोकेशन? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ आवर सर्विस, बिकॉज हम लोग 3 साल स्टैंडर्ड टाइम होता है, उस हिसाब से लगभग 3.5 साल यहाँ पर हो गया है, तो उस हिसाब से ठीक ही है। तो मिस तो करेंगे ही, क्योंकि हमारा जो सर्विस टेन्योर है up to 60 years, तो उसमें 3.5 साल तो एक पार्ट होता है ना, तो एक तो कुछ तो मैटर है, तो मिस करेंगे ही। और ठीक है, तो आगे जो आएंगे मेरा रिलीवर, ही विल टेक द चार्ज एंड ही विल लीड द होल ब्लॉक एंड पंचायत समिति। आई होप इट विल बेटर। आपके बाद जो यहाँ पर शूटिंग करेंगे सर, उनका अपना परिचय अगर आपके पास हो तो? उनका नाम अरिंदम मंडल है, वो अभी डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर रायगंज में है, तो आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर ज्वाइन कर जाएगा और उस हिसाब से चार्ज भी ले लेंगे। सर एक अंतिम सवाल कि इस पूरे 3.5 साल के दौरान आपका कुछ ऐसा कुछ अचीवमेंट जो आपको बहुत प्राउड फील कर रहा होगा इस ब्लॉक के लिए? एक बात है कि जो हम 3.5 साल में 55 आंगनवाड़ी सेंटर बनाए हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, क्योंकि 55 आंगनवाड़ी सेंटर नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ये बहुत नॉट ए सिंगल फंड, हम बहुत सारे फंड यूटिलाइज करके वो जो गवर्नमेंट जो बच्चे लोग हैं ना जो बोल नहीं सकते, जो किसी की बरामदा में, किसी की पैर के नीचे, किसी की अंगिना में जो क्लास कर रहा है, तो उनको तो वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए तो सोचना चाहिए। तो वो हमारे हिसाब से वो खूब इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो बच्चे लोग आगामी फ्यूचर के लिए वो ये सिटीजन है हमारे लोग, हमारे देश का, तो हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो खूब अच्छा लगेगा। तो हम एक अचीवमेंट मानता है कि 3 साल में 55 आंगनवाड़ी सेंटर चालू हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके चालू हुआ है, ये एक बात है। और दो एक दो तो काम है जो ठीक ही है, हम जितने सारे काम किया है, एडुकेशन, हेल्थ एंड क्रिटिकल गैप और जो मेल न्यूट्रिशन, इसके खिलाफ हम इसके लिए हम बहुत सारे काम किया है, तो ये खूब इंटरेस्टिंग है हमारे टीनियर के। अरे सर लास्ट और एक चीज़ की आपने काफ़ी डेवलपमेंट देखा आपके आने के बाद, जो कंपाउंड है, जो बीडीओपी का जो सराउंडिंग कंपाउंड है, काफ़ी डेवलपमेंट दिखा, जाते जाते आप एक सिंबल देखे जा रहे हैं आई लव नक्सलबाड़ी, सर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ये दिल से निकल आया है, और कुछ नहीं बोल पाऊँगा। वो दिल से जो निकल आया है वो जस्ट रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं है। इससे पता चलता सर आप कितनी गहराई से इस जगह पर सेवा भाव से आप जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।